84 सिख विरोधी दंगा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने 88 दोषियों की 5-5 साल की सजा को बरकरार रखा है। ट्रायल कोर्ट ने इन्हें दंगा करने, घर जलाने, कर्फ्यू का उल्लंघन करने और का दोषी ठहराया, जिस पर हाईकोर्ट ने मुहर लगा दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी में 1984 में सिख विरोधी दंगों के दौरान हुई हिंसा के मामले में निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। 88 लोगों को दंगों का दोषी ठहराते हुए 5 साल की सजा का ऐलान किया गया था, जिस पर 22 साल बाद हाईकोर्ट ने भी मुहर लगा दी है। दोषियों ने 27 अगस्त 1996 को सुनाए गए ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। ट्रायल कोर्ट ने इन्हें दंगा करने, घर जलाने और कर्फ्यू का उल्लंघन करने का दोषी पाया था। अब हाईकोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। अब हम बताते हैं इस खबर के पीछे ये खबर क्या है। 84 सिख विरोधी दंगा में दिल्ली में 3000 से ज्यादा सिखों की हत्या की गई। राजनीतिक दल और राजनीतिक ग्रुप पर हत्या का आरोप लगा। बड़े आरोपियों के छूटने की बात सामने आई। 14 नवंबर को एक फांसी, दूसरे को उम्र कैद की सजा का ऐलान हुआ। राजनीतिज्ञों पर भी शिकंजा कसा गया।